गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया लाने की मांग उठने लगी है। जी हाँ गाइस, 105.6 कैरेट का ये कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ये हीरा 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की खदान में मिला था। लेकिन इंडिया पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद साल 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, और बाद में इस हीरे को शाही ताज में जड़वा दिया गया था। लेकिन असल में देखा जाए तो ये हीरा भारत की एक अमानत है, जिसे वापस भारत लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसके उलट अपने नए राजा चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को ये हीरा सौंपने वाला है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारी अमानत ये कोहिनूर का हीरा वापस कब तक आ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों, आजकल हमारे देश में अच्छी नौकरी और समाज में खुद को ऊंचे दर्जे का साबित करने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा को बड़े गर्व से अपना रहे, वहीं हिंदी, संस्कृत और अपनी स्थानीय भाषाओं को बोलने में झिझकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा के एक रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातचीत के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी वाक्य का एक से अधिक मतलब निकलने पर कभी कभी AI उसे गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि संस्कृत में एक वाक्य का एक ही मतलब निकलता है, जिससे AI में भाषा को प्रदर्शित करने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सब मुमकिन है हमारी संस्कृत व्याकरण की वजह से। तो अब सब गर्व से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, हमारी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी होनी ही चाहिए। गाइज, वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन इंडिया के महज 17 साल के आर प्रागनंदा ने उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार हराकर इतिहास रच दिया है। जी हाँ गाइज, प्रागनंदा ने FTX क्रिप्टो कप में अपने से लगभग दुगने उम्र वाले वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ एक पॉइंट से FTX क्रिप्टो कप को जीतने से चूक गए। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि वो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद और पी हरि कृष्णा ही कार्लसन को हरा पाए थे। गाइस, प्रागनंदा की ये जीत हमारे लिए गर्व की बात है, तो गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी, सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, कैंसर जैसी बीमारी को सूंघ कर भी पता लगाया जा सकता है, हो गया ना हैरान? जी हाँ गाइस, इजराइल के एक साइंटिस्ट होजम हेक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे एक इंसान की ब्रीथ यानी कि सांसों को सूंघ कर ये पता लगाया जा सकता है कि बॉडी के अंदर कैंसर है या नहीं। दरअसल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका वक्त रहते पता ना चले तो उसमें जान भी जा सकती है, और ये बात होजम अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उनके एक बेस्ट फ्रेंड को भी कैंसर हुआ था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी लाइफ कैंसर पर ही रिसर्च करेंगे, और इस तरह से उन्होंने सालों रिसर्च की और पाया कि एक कुत्ता सांसों को सूंघ कर ये बता सकता है कि बॉडी में कैंसर है या नहीं। बस फिर क्या था, होजम ने हूबहू कुत्ते की तरह सूंघने वाला एक डिवाइस बना दिया। बहरहाल, अभी इस डिवाइस पर काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये मेडिकल साइंस में एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे गाइस, आपका इस डिवाइस के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।